Hi everyone, welcome back to Shiny Classes. First of all, good evening to everyone. सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम. कैसे हो आप सब? Hopefully आप बहुत बढ़िया होंगे. चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की. मैं यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास करवाऊँगी. सोशल साइंस का सिलेबस बड़ा ब्रॉड दिया गया है. 50 नंबर वाले पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े रहते हैं, और काफ़ी आते भी थोड़े थोड़े ही हैं, लेकिन कहाँ से आएंगे पता नहीं रहता है. तो पढ़ना तो हमेशा पड़ता है. कोई नहीं, टारगेट एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए काफ़ी हेल्प होगा, तो वो उस पर्पज़ से पढ़ते हैं तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि पहले पढ़े रहेंगे तो उस समय रिविज़न कर पाएंगे. ठीक है, आज का तो टॉपिक है आपका पहला चैप्टर ही चला. अभी पहला चैप्टर काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि पहले चैप्टर से ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो हम इन पर ज़्यादा क्लासेस भी करेंगे. आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट की, आप वहाँ से वन बाई वन क्लासेस को देख सकते हैं. बहुत ज़्यादा क्लासेस तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हो चुकी है. 5-5, 6-6 क्लासेस, 3-3, 4-4 सब में हो चुकी है. आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो है बिंदुसार का जीवन परिचय. बिंदुसार बेटा तो चंद्रगुप्त का था. अब पिता के बारे में तो पढ़ लिया, पिता के बारे में सारी अपडेट बता दी, अब बेटे की बारी है. बेटे के बाद पोते की बारी होगी, तो एक एक करके क्रम वाइज क्रम पढ़ते चलेंगे, और जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको जानेंगे. आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हैं, जितने भी भैया दीदी छोटे भाई बहन जो भी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने छोटे छोटे से वो सपोर्ट की जो उंगली होती है ना, उसको पकड़ाए रहिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे बॉस से कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या टेलीग्राम पर यूजर से पूछ लो, आपको मैं बता दूंगी. जितना हो सकेगा उतनी पूरी हेल्प आपकी करने का ज़रूर प्रयास करूंगी. ठीक है, पक्का? चलो अब आते हैं अपनी क्लास की बारी पे, करते हैं क्लास को स्टार्ट. आप जुड़े हो मेरे साथ, सोशल साइंस की क्लास हो रही है. चलिए जानते हैं बिंदुसार का जीवन परिचय. देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाई हुई है, और टेबल में बताने का मैंने ट्राई किया हुआ है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था. ठीक है, किसका बेटा था? बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था. तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा शासक का कोई है तो वो बिंदुसार था. अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में. तो कब हुआ था आपको प्रश्न बनता है कि बिंदुसार का जन्म कब हुआ था? तो 320 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 320 ईसा पूर्व में हुआ था. एक क्वेश्चन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था. वो स्थान का भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव आपके कितने आते हैं? 15, तो ध्यान रखिएगा. माता का नाम दूधरा था. क्या था? दूधरा था. चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 शादी की थी, तो पहली पत्नी उनकी दूधरा थी, जिनसे बिंदुसार पैदा हुए थे. और भी बेटे पैदा हुए थे, लेकिन बिंदुसार का ही नाम फेमस था. और दूसरी पत्नी जो थी वो हेलेना थी. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. तो जन्म इनका जो डेट है वो आपको पता होनी चाहिए, और जो स्थान है वो आपको पता होना चाहिए. पर माता का नाम दूधरा था, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था. तो ये छोटी सी अपडेट है, जिनसे आपको एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाए तो नंबर भी हमारे तैयार हैं. पुत्र की बात करते हैं तो अशोक इनका पुत्र था, जिसके अशोक के बारे में बहुत कुछ है तो मैं डिटेल में बताऊँगी. फिर वीताशोक और सुसीम और अन्य 98, देख सकते हैं इनके बहुत सारे बच्चे थे उस समय के ज़माने में, इतने सारे बच्चे इनके थे, वो भगवान ही जाने कैसे थे. तो ये चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि पुत्र की जो बात है, देखिए हैं तो बहुत सारे राजा की बहुत सारी पत्नियाँ, बहुत सारी लिखित हैं, बहुत सारी नहीं लिखित हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमें बहुत सारे बच्चों से और बहुत सारी पत्नियों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस पेपर में पत्नी और बच्चे पर उतना सवाल नहीं आता है. हमसे फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती जो फेमस है. तो अशोक का नाम बहुत फेमस है, अशोक के बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है, और अशोक के बारे में ही हमें ज़्यादा पढ़ना था, जो फेमस है उसकी चर्चा करते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात. बात करते हैं उत्तराधिकारी की, तो सम्राट अशोक मौर्य. ठीक है, कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उनका बेटा हुआ सम्राट अशोक मौर्य. साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो कौन से साम्राज्य थे, तो ये मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे, मौर्य साम्राज्य से. प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य, ये उस समय भी रहे थे. ये इतना ही नहीं था कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही रहे थे. ठीक है, ये प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कौन था, तो आचार्य चाणक्य का नाम हमेशा लिया जाएगा. अगर हम शासन की बात करते हैं कि कितने साल तक इन्होंने शासन किया, तो 27 वर्ष तक. कितने साल? 27 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक. ये अपना पूरा राजपाट चलाए, राज्य को देखा, काम किया, गतिविधि के द्वारा किया, प्रजा का भी ध्यान रखा. जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे एक राज्य साम्राज्य चला करते थे, वैसे इन्होंने भी इनको चलाया, 27 सालों तक राज्य किया. आगे बढ़िए,
अब लास्ट ऑप्शन है मित्र का, तो ये 273, 271, 270 के ऊपर से ही डेट आपको देखने को अलग अलग जगह मिलेगी। डेट का बड़ा इशू रहता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि मैं वो डेट बताती हूँ जो मोस्टली जगह पे मोस्टली लोगों ने कहा है। तो 270 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनसे 3-4 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वाले ही बनेंगे। तो इसीलिए ये टेबल मैंने बनाई और आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली डिस्कस की। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलिए हाँ क्लियर है, समझ में आई बात? आगे बढ़िए। चलिए अब जो बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं थोड़ा थ्योरी के रूप में भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लिखने को आता है तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, उसके लिए ये चीज़ मैं बताऊँगी ज़रूर। तो मैंने जूम कर दिया है, दिख रहा होगा प्रॉपर? ठीक है, देखिए बिंदुसार कौन था आपसे पूछा जाता है, बिंदुसार कौन था, बिंदुसार के बारे में बताइए, बिंदुसार का जीवन परिचय बताइए, बिंदुसार के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, बिंदुसार के बारे में टिप्पणी करिए। तो ऐसे छोटे छोटे एक एक दो लाइन के प्रश्न आते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे, पहली बात सिंपल सटीक एकदम सिंपल बात, बिंदुसार एक मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर राज किया था। ठीक है, 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक राज किया था। उनका जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अब देखिए ऊपर अभी तो मैंने आपको बताया कि 270 के पास में और अभी यहाँ पे 320 है, तो ये ध्यान रखिए कि जो जैसे कहते हैं कि आपको 270 और 320 में एक काफ़ी लंबा गैप दिख रहा है। सॉरी मैं ये डेट में यहाँ पर मिस आउट कर गई थी, सॉरी नहीं सही है भाई, मैं सोच रही हूँ कि कैसे इतना गलत हो सकता है, कोई नहीं। तो ये 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुधरा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उनकी माता धनानंद की पुत्री थी। किसकी पुत्री? धनानंद की। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे, क्योंकि उनके बड़े भाई केशनाग जन्म लेते ही मृत्य को प्राप्त हो गए थे। तो आपको मालूम है कि कई सारे बच्चे रहे, तो इतने सारे जो बच्चे रहे उनमें केशनाग का नाम जो भी कहीं कहीं वर्णित है और भी कुछ बच्चों का नाम है, लेकिन जो फेमस हुए हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, उनका नाम ज़्यादा फेमस है। तो बिंदुसार का नाम इसीलिए ज़्यादा आता है और बिंदुसार के बारे में ही चर्चा डिस्कस किया गया है। जब बिंदुसार अपनी माता की कोख में थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। क्यों हुआ था मालूम है? कि परंतु बिंदुसार ने आचार्य चाणक्य ने अपने तरीके से उनको बचा लिया था, लेकिन उसका पालन पोषण साही दासी के द्वारा राजमहल में ही किया गया था। बात सुनिए क्या था कि बिंदुसार जब पैदा हो रहे थे तो उनकी पत्नी को दुधरा को किसी ने जहर दे दिया था, और किसी ये बात पहले किसी को पता नहीं थी, बाद में कैसे भी करके जैसा भी हुआ था, कुछ ऐसा सीन हुआ था उस समय कि चाणक्य कोई बात पता चल गई थी कि किसी ने उनको जहर दे दिया। तो वो चाहते थे कि वंशावली चलती रहे, नहीं तो चंद्रगुप्त का राजपाट बंद हो जाएगा। तो क्योंकि जब बेटा नहीं रहेगा तो चलाएगा कौन, तो इस वजह से। और जो केशनाग था पहले ही मर चुका था, जब बिंदुसार पैदा हो रहे थे तो ये बात जब पता चली तो चाणक्य ने कुछ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इनका बिंदुसार बच गए थे, लेकिन इनकी माँ की उसी वक्त तो मृत्यु हो गई थी। और जब माँ नहीं रही तो वहाँ पर जो साही दासियाँ हुआ करती थी वो इनका पालन पोषण की, इनकी माँ बनकर राजमहल में इनकी सेवा ये सब कुछ किए गए थे। तो बिंदुसार का एक कह सकते हैं कि ज़िंदगी में माँ का भी एक जो प्यार का अभाव है वो बहुत देखने को मिला है। तो इतनी अपडेट मैंने आपको बताई। अब जैसे आप सोचेंगे कि मैम अगर चंद्रगुप्त के बारे में आता है बिंदुसार के जीवन परिचय के, तो थोड़ी सी बात है ना, आप जैसे यूनिक कुछ लिखोगे, कोई बच्चा कुछ तरीके से लिखेगा, आपको नंबर गेन करना है, आपको मेरिट लिस्ट 90% को ले आना है। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे कॉलम छोटा सा बना के पूरी डिटेल मत लिखो, नाम लिख दो, माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम लिख दो, उसका डेथ लिख दो बस, और जो है जन्म और मृत्यु लिख दो, इतना इनफ है। और जो टेबल में लिखा है उसी टेबल को थ्योरी के फॉर्म में बता दो कि यहाँ पर जन्म हुआ था, ये समय पर हुआ था, माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, पुत्र का नाम ये था। तो उससे क्या होगा ना कि टीचर बड़ा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा और नंबर भी बढ़िया अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, बात से एग्री हो ना मेरे? सिंपल तरीका। और मालूम है एक सिंपल सी और बात, ये याद हो जाता है, ये टेबल के रूप में जब रहता है ना तो हमारे दिमाग में चीज़ चलती है, वो थ्योरेटिकल हम भूल जाते हैं, क्योंकि कई सारे राजा हैं तो कई सारी पत्नियाँ होंगी, कई सारी माताएं होंगी, कई सारे भाई बहनें होंगे, कितना याद करेंगे? यहाँ अपने को तो भूल जाते हैं इंसान, तो इनका क्या याद रखेंगे? ठीक है, ये याद नहीं होते, इनको बस कंटेस्ट किया जाता है कि हाँ कुछ हमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में पक्का लेकर चलना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आइए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं। देखिए बिंदुसार के बारे में ना, जितना चंद्रगुप्त के बारे में उतना बिंदुसार के बारे में
नहीं दिया गया है। क्योंकि बिंदुसार के बारे में थोड़ा कम डिटेल में है, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ था तो मैंने डिटेल बताया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बारे में और अशोक के बारे में ज़्यादा दिया गया। देखो फ्रेंड, सीधी सी बात बोल रही हूँ, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा बताऊँगी, जैसे प्रश्न ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा डिस्कस, जिसमें थोड़े थोड़े कभी कभी बने कभी नहीं बने हैं, 5 सालों में एक बार बने हैं, तो हमें बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ बता ज़रूर देंगे कि आपको पता रहे, वरना आप बोलोगे मैम आपने बताया नहीं। चलिए अच्छा, हाँ लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक तो बनता है, मस्त मौसम है मस्त क्लास है तो लाइक तो बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही होगी ना, पता कैसे चलेगा कि आप आए थे। अच्छा ये बिंदुसार के शासन की अगर हम बात करते हैं तो शासन तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी रहा, सबका शासन रहता है, तो वही कहते हैं ना कि आप एक एक राजाओं के बारे में जानेंगे क्या संभाला किसने किया। तो बिंदुसार ने मौर्य सम्राट का शासन 297 ईसा पूर्व से संभाला था, ठीक है बिल्कुल। 297 ईसा पूर्व में ही उसके पिता चंद्रगुप्त चंद्रगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों में चले गए थे, मतलब जब इनको राजपाट को दे दिया गया, चंद्रगुप्त बड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बिंदुसार को अपना रास्ता दिख गया, वो चल दिए, ठीक है। उस समय मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के अधीन था, जो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक और तक्षशिला से लेकर स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त के अधीन में चलता था, उनकी राजपाट की शासन व्यवस्थाओं में चलता था, उनके अनुसार चलाया जाता था। जो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक फैला था, ध्यान रखिएगा जो लोकेटेड एरिया है, कभी कभी उसके भी प्रश्न बने हुए हैं बॉर्डर एरिया के, इसलिए बता रही हूँ। तो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक और तक्षशिला से लेकर स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था, लगभग पूरे प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का झंडा ही झंडा था। जब डेलर वालों का डंका हो गया, बजा ही बजा है, तो वैसे मौर्य साम्राज्य का ही चारों तरफ था। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो जल्दी तो इसमें कोई शामिल तो होते नहीं है, जल्दी कोई किसी के अधीन तो बनता नहीं है, तो क्या हुआ था कि तक्षशिला के जो कवरेज का एरिया पूरा था, वहाँ के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था, खुलकर पूरे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था। पहली बार जब विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने बड़े पुत्र सुसीमा को कुप्रशासन के कारण हुआ था। देखो हर जगह जैसे कोई चीज़ चल रही है, अगर आप प्रॉपर वर्क नहीं करोगे तो लोग आपके अगेंस्ट तो हो ही जाएंगे ना, ये बात तो कन्फर्म है। तो पहली बार जब विद्रोह हुआ था वो बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ था। लोग तो पहले से सम्मिलित थे, लेकिन आप गलत चीज़ें करने लगोगे, जनता को प्रताड़ित करोगे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाओगे और उनको मतलब जो गलत है उसका गलत का साथ दोगे, तो ये कुप्रशासन की नीतियाँ जब फैलती चली गई, तो जिसके कारण पहला विद्रोह हुआ था और दूसरा विद्रोह का कारण अज्ञात है, क्योंकि बिंदुसार के पुत्र अशोक ने उसे दबा दिया था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो निकलती हैं, हमें थोड़ी थोड़ी बातें जाननी हैं जो कि इनके बारे में। देखिए बिंदुसार ना बहुत अच्छे शासक या राजा नहीं कहलाए थे जितना चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कहलाए थे, और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? जो प्रश्न आएगा जब जब आएगा हम तुरंत बताएंगे। विदेशों से संबंध भी इनका चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट में एक बड़ी अच्छी बात थी। इनके जो पिता थे वो उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वो व्यवहारवादी बहुत थे और लोगों से संबंध बनाने में विश्वास करते थे, तो जब वो कहीं जाया करते थे तो वहाँ के लोगों से उनकी मैत्री बड़ी अच्छी हो जाया करती थी, वहाँ से संबंध होता था, तालमेल बढ़ता था, उनकी हेल्प भी करते थे, उनसे हेल्प भी लेते थे। तो ये जो एक गुण था, जो एक व्यवहारिकता का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य ने देखने को मिला, और मालूम है आपको इसी वजह से ना इनका राज्यपाट इतना ज़्यादा फैलता गया। जैसे आप संपर्क बनाते हो तो आपसे लोगों से कांटेक्ट बनते, टच में आप आते हो, तो वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब इतने लोगों से, इतने प्रांतों से, जिलों से, कस्बों से, नगरों से लोगों से मिलने लगे थे, उनके दिल तक छूने लगे थे, तो इनका राज्यपाट का विस्तार भी धीरे धीरे काफ़ी विशाल और बड़ा हुआ। तो यही कहते हैं कि अपने पिता चंद्रगुप्त की भांति बिंदुसार भी कला के प्रेमी थे। जी हाँ, जैसे इनके पिता कला के प्रेमी थे, वैसे बिंदुसार में भी यह गुण आया, और बिंदुसार के समय भी यूनानी राज्यों से भारत के अच्छे संबंध हो गए। यूनानी राज्यों से भारत के बहुत प्रांगण संबंध देखने को मिले थे, व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान भी बहुत बढ़िया हुआ करता था, कच्चे माल जाया करते थे, बहुत सारे सामान बन के आया करते थे, दोस्ती इनकी अच्छी खासी हो गई थी, और भी अलग अलग प्रांतों से, जिलों से, राज्यों से
संबंध बनाने में काफ़ी निपुण थे और लोगों को अपनी बात से बिना आक्रमण के भी समझा लेने की कला चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें दोनों में थी। इसलिए आपने अक्सर देखा है कि और राजा जो थे वो जाके लड़के हड़प के मार पीट के खून बहा के जाके कब्जा करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मैत्री का प्रस्ताव रखते थे। और मैत्री का प्रस्ताव रखने से क्या होता है कि किसी की जान मान भी नहीं जाती, क्योंकि बंधुत्व को, एकता को, यूनिटी को मेनटेन करना चाहते थे वो। अगर सबको मार देंगे तो हिंदू भाई हमारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे जो हिंदू हैं मुसलमान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनको भारत की एकता को ध्यान रखना था, इसीलिए वो हमेशा मैत्री वाला प्रस्ताव पहले रखते थे। उसके बाद जब वो चीज़ें होता था कि अब नहीं काम बनेगा, तब वो ऐसा कुछ आक्रमण का सीन रहा करता था, तो वही सेम अनुसार भी किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो सिंपल, इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही बातें हैं, तो उतना ही मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, जितनी भी आती थी कुछ और बातें जो बतानी है, एक दो बात और छोटी छोटी सी है पॉइंट वाइज, मतलब जैसे कि वन लाइनर टाइप में हो जाएगी, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी, तो अभी हम इनका जो बिंदुसार का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक इनकी मृत्यु से ही संबंधित है। तो बिंदुसार की मृत्यु कब हुई उनके बारे में बताइए। तो बिंदुसार की मृत्यु कहते हैं कि 270 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इनकी मृत्यु का जो रीज़न था, कभी कभी पूछा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु का कारण क्या था, किस वजह से इनकी मृत्यु हुई, तो मुख्य कारण उनकी कमज़ोर स्वास्थ्य था, उनका हेल्थ नहीं अच्छा था, उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिसके उपरांत वे ज़्यादा बीमार पड़ते थे, बीमार पड़ते पड़ते दवाएं खाते खाते और फिर उनका देहांत हो गया। बिंदुसार ने 297 से लेकर 273 तक प्राचीन भारत में मौर्य सम्राट के शासक के रूप में इतने साल तक शासन किया था, राज्य पर विस्तार पर ज़्यादा ध्यान ना देकर संरक्षण पर किया था, और उन समय उनका साम्राज्य पहले से ही बहुत बड़ा था। देखो, इनके पिता ने इतना कुछ फैला दिया था, इतना कुछ कब्जे में था, इतना कुछ बढ़िया, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, पका पकाया सब कुछ पाए हुए थे। ठीक है, तो इनका सिर्फ एक बात तक, इन्होंने नुकसान नहीं किया था, इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े नहीं किए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार भी नहीं किया था जितना इनके पिता ने किया, लेकिन इनमें एक खासियत थी कि ये संरक्षण भी किए थे, अगर कमाए नहीं तो गंवाए भी नहीं। कि सोचो कि अगर ये एक राज्य को, एक प्रांत को जाके वहाँ पे कब्जा करके मार के जोड़ नहीं पाए तो गंवाए भी नहीं, तो अच्छा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल सी बात है। तो ये इनके बारे में इतनी खूबियाँ और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की। तो जो जो प्रश्न सिंपल सिंपल बनेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, क्लास पसंद आई, चलिए अब क्लास को करते हैं ओवर। ये आपकी 17 से 18 मिनट की यहाँ पर क्लास हो रही है, मैंने आपको सारी बात डिटेल बताई। अब आपकी बारी है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। और 12 बजे की क्लास, जो बच्चे नहीं अटेंड किए थे, 12 बजे की क्लास क्लासेस बाय शालिनी पर हुई थी, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, ज्वाइन करो, देखो, पढ़ो, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछो, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।